नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंदोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने पैन कार्ड आधार कार्ड पर इंस्टेंटली पर्सनल लोन लेना चाहते हैं? गाइज, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि दावा करती है आपको विदाउट किसी इनकम प्रूफ के, विदाउट किसी सैलरी स्लिप के, विदाउट किसी बैंक स्टेटमेंट के आपको इंस्टेंटली लोन प्रदान कराएगी। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इस वीडियो में करा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, कहीं से वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए, यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से सारी जानकारी नहीं मिलेगी। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो देखिए आप उन चैनल पर चले जाइए। मुझे ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे चैनल पर ऐसे व्यक्ति की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जो पूरे तरीके से बात को ना समझे और आधा अधूरा ज्ञान ले। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, इसीलिए भैया वीडियो को आप कंप्लीट देखें, सारी बातों को समझें, एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयत्न करें। देखिए गाइज, आप कोई मार्केट में नहीं जा रहे हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है पैसा दिया सामान खरीद लिया। यहाँ पर बात आ रही है आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपका पैन कार्ड की, आपके आधार कार्ड की, जो कि बहुत बहुमूल्य होता है। ठीक है, उसका कोई व्यक्ति मिसयूज ना कर सके, उसका कोई व्यक्ति गलत यूज ना कर सके, इसीलिए आपको एक ऐसे चैनल पर विजिट करना चाहिए जो आपको एकदम सही और एकदम सटीक जानकारी दे सके और आपके सामने सारी बातें सत्यता से रख सके। उसके लिए जय जनशक्ति को आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। उस दिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई चैनल वाकई में जेन्युइन है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रदान कराता है, तो आप डेफिनेटली चैनल को पूरे तरीके से सब्सक्राइब करिए, वो आपकी मर्जी है, बट आप पहले एक बार फॉलो तो करें अच्छे तरीके से। अब गाइस बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूँ। भैया देखो, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ और ना मैं कोई लोन एप्लीकेशन का प्रमोटर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सत्यता है वो आपके सामने ला के रखूँगा। डिसीजन आपका लेना है, बुद्धि विवेक का आपको प्रयोग करना है, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है। अब चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन का कच्चा चिट्ठा, आखिर क्या है इस एप्लीकेशन का, क्या सारी बातें हैं, आखिर ये क्या क्या सारी बातों को बताती है। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं भैया जरूर देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्त, मैं आपको एप्लीकेशन के जो सारी चीजें हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन की रेटिंग के बारे में, यहाँ पर एप्लीकेशन को 4.7 की रेटिंग मिली हुई है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। गाइस, अगर आप बात करेंगे एप्लीकेशन के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन को स्टार्टिंग के दो रिव्यू बताऊं मैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लोगों ने कहा है कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और ये एप्लीकेशन बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति ने बताया है। लेकिन गाइस, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे सी ऑल का, आपको इस ऑप्शन पर जाना है और सारे रिव्यू यहाँ पर आपको देख लेने हैं। सारे तो नहीं देख पाएंगे, आप क्रिटिकल रिव्यूज़ को जाकर के पढ़िएगा, वहाँ पर आपको डिटेल में पता लग जाएगा आखिर एप्लीकेशन कैसी है, कैसे काम कर रही है, क्या इसके काम करने का तरीका है। क्योंकि गाइस, जो भी व्यक्ति एप्लीकेशन का प्रयोग करता है ना, वो सारी चीज़ें मेंशन कर देता है डिटेल में कि भाई मुझे इस एप्लीकेशन से ये भी दिक्कत हुई है और ये फ़ायदे हुए हैं, ये नुकसान हुए, सारी बातें बता देता है। अगर आप भी किसी भी एप्लीकेशन का प्रयोग करें तो मेंशन जरूर कर दिया करें डिटेल में, क्या आपको उससे नुकसान हुआ, क्या आपको उससे फ़ायदा हुआ। ठीक है गाइज, और मैं एक दो क्रिटिकल रिव्यू बताऊंगा, बट आपको पहले मैं अबाउट सेक्शन की जानकारी देता हूँ कि इसने अपने अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है। तो चलिए अबाउट सेक्शन में आपको हम लेकर के चलते हैं, आपको देंगे, समझ रहे हैं गाइज आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एप्लीकेशन का जो है वो अबाउट सेक्शन ओपन कर लिया है। देखिए, अगर अबाउट सेक्शन की आप इसकी बात करेंगे तो इसने साफ साफ बताया है ये जो एप्लीकेशन है आपको 20,000 रुपये से लेकर के 2,00,000 रुपये तक का इंस्टेंटली लोन प्रदान करा देगी, ये जानकारी इसने यहाँ पर मेंशन की है। अगर आप बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट की, तो देखिए इसने बहुत कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 7 से 8% के आसपास आपको इंटरेस्ट देना होगा, ये इसने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। ठीक है गाइज, एलिजिबिलिटी के बारे में तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसने जो सारी चीज़ें मैंशन की हैं, आपके पास में देखिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, या आप लोग खुद देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी, यहाँ पर ये सारी एलिजिबिलिटी इसने यहाँ पे मांगी हैं। ठीक है, फ्यूचर्स भी इसने अपने यहाँ पे बताए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से
सारी बातें समझ जाए आ जाएंगी, ठीक है। अब गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन है मैं इसके बारे में सारी चीज़ें जब मैंने डिटेल्स में देखना चाहा, प्राप्त करना चाहा, तो देखिए ना तो मुझे ये पता लगा कि ये एप्लीकेशन भैया कौन से NBFC के द्वारा आती है, मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं मिली। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ढूंढना चाहा बट मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है। देखिए इसने साफ साफ यहाँ पे बताया हुआ है, आप खुद देख लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट भी बताया हुआ है, 7-8% के बीच में इंटरेस्ट रेट आपका हो सकता है, ठीक है। और समय अवधि भैया इसने बता रखी है, यहाँ पे देख लो आप खुद, देखिए हर एक चीज़ मेंशन की हुई है इसने डिटेल में, बट ये चीज़ें व्यक्ति को मिलती नहीं हैं। ये EMI पे आपको लोन प्रदान कराने का दावा करती है, 6 महीने का आपको समय देने का बात करती है, 1 साल तक, मतलब कम से कम आपको 6 महीने का टाइम देगी और अधिकतम 1 साल का, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर मेंशन की हुई है। लेकिन गाइज आप एक बात सोचिए, किसी भी NBFC को, किसी भी एप्लीकेशन को अधिकार तब है लोन देने का जब उसको RBI ने पंजीकृत किया हो अपनी तरफ से, मतलब RBI से वो पंजीकृत हो, ठीक है, तब तो वो आपको लोन वगैरह प्रदान करा सकती है। बट जब RBI से ही पंजीकृत नहीं है तो आपको लोन कैसे दे सकती, सोचने वाली बात है ना। अब अगर ये एप्लीकेशन RBI से पंजीकृत होती तो ये बताती कि भैया मैं फलाना NBFC से हूँ और मैं भैया ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरा CIN नंबर है, ये मेरा DIN नंबर है और ये मेरी सारी चीज़ें हैं, ना तो कोई एप्लीकेशन ने यहाँ पर भैया mail ID मेंशन किया हुआ है। ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो ऐसी एप्लीकेशन आती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ये व्यक्ति से सिर्फ़ और सिर्फ मनी कलेक्ट करती हैं। जैसा कि मैंने इसके क्रिटिकल रिव्यू भी पढ़े हैं, ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ मनी कलेक्ट करती हैं और आपका डेटा कलेक्ट करती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ऐसा ना हो बट जो रिव्यूज़ में लिखा हुआ है उसके आधार पर तो बताया गया है ये एप्लीकेशन जो है पैसा लेती है लोगों से लोन देने के नाम पर और उसको लोन नहीं देती है। देखिए यहाँ से आपकी कैमरे की परमिशन लेती है, आपकी लोकेशन की परमिशन लेती है, आपके फ़ोन की स्टोरेज लेती है, आपसे अदर परमिशन लेती है, ये सारी चीज़ें लेती है, ठीक है भैया। अब इस बात को आप देख लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन का ना तो माँ का पता है ना बाप का पता है, आप ऐसी एप्लीकेशन पर लोन लेना चाहेंगे, आप एप्लीकेशन पर डेटा देना चाहेंगे ऐसी पर, तो गाइज आप ऐसी एप्लीकेशन पर डेटा ना दीजिएगा। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है कैश लोन इंस्टेंट पर्सनल लोन, ठीक है। अगर आप डाउनलोडर की बात करेंगे तो देखिए डाउनलोडर भी काफ़ी ठीक ठाक हैं इसके, 100K+ इसके यहाँ पे डाउनलोडर हैं। और रेटिंग की बात करेंगे तो रेटिंग इतनी अच्छी इन्होंने बनवाई है 4.7 की, मुझे लगता है ये पेड रेटिंग है, लोगों से पैसा देकर के इन्होंने बताया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो मामला है, देखिए यहाँ पे क्रिटिकल रिव्यूज़ में साफ साफ लिखा है ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करती है, ये मनी कलेक्ट वगैरह करती है। आप यहाँ पे देखिएगा लोगों ने इसके बारे में सारी बातें बताई हैं, जिन जो उन लोगों को इससे परेशानी हुई है सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर कट मेंशन की हुई है। तो गाइज आप ऐसी एप्लीकेशन पर अप्लाई ना करें। अब देखिए अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो आपका जो डेटा है वो आपके मोबाइल फ़ोन से ले लिया जाएगा और डेटा लेने के बाद में आपके पास में कंटिन्यू कॉल आएंगी कि भैया आप इतने रुपये का लोन लेना चाहते हैं, आप कहेंगे हाँ जी मैं इतने रुपये का लोन लेना चाहता हूँ, हाँ जी आपका लोन मिल जाएगा, आप हमें अपने व्हाट्सएप पर पैन कार्ड आधार कार्ड भेजिए। आप अपने व्हाट्सएप पर पैन कार्ड आधार कार्ड इनको जब दे देंगे अपने व्हाट्सएप के द्वारा तो आपके पास में कॉल आएगी फिर, ठीक है, कि भैया हाँ जी आपका लोन हमने इतने रुपये का अप्रूव कर दिया है और अब आपको लोन तब मिलेगा तब आप इतने रुपये का पेमेंट कर देंगे और ये सारी चीज़ें हैं, आप पेमेंट भी कर देंगे, आपका पैसा गया। एक तो आपने एप्लीकेशन को दे दिया, ठीक है, उसके बाद में आपका डेटा बेच दिया गया, उसके बाद में अनेक अनेक ऑफर आपके पास में आते रहेंगे जो कि आपके साथ में स्कैम करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे। देखिए आज की डेट में देखा जाए जो डेटा है व्यक्ति का वो बहुत कॉस्टली बिकता है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन वही काम करने आ रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि गूगल प्ले स्टोर वाले इतनी अपनी पॉलिसी की बात करते हैं तो अब ये कहाँ सो रहे हैं। इन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि एप्लीकेशन को प्रॉपर डिटेल जो है अपने अबाउट सेक्शन में देनी होगी, RBI ने भी ये सारी जानकारी दी थी, बट किसी भी एप्लीकेशन का जो भी डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशन की बात करती हैं मैंने देखने में नहीं आया कि उन्होंने डिटेल्स दी हो। अब गाइस भैया अगर आपको लगता है ये RBI रजिस्टर्ड है, आपको लोन सेंसन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराए, तो भैया आप एक बात कहना कि भैया ठीक है हम जो सारी चीज़ें हैं इसके आधार पर हमें लोन दो, हम तैयार हैं। अगर आपको इसके आधार पर लोन ना मिले, कम मिले, सेंशन लेटर ना मिले, इनका एक भी रुपया वापस मत करना। मैं कह रहा हूँ ना, दावे के साथ कह रहा हूँ, टंके की चोट पर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बट मैं फिर भी यही कहूँगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसी एप्लीकेशन पर
मत लगाइए मेरे दोस्त, आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए इतना मैं आपको बता दूं, आप ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, ये आपकी इज्जत को तहस नहस कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, आपको पता नहीं है आपको। तो गाइस मेरा उद्देश्य तो यही है लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का, और जो भी ऐसी स्कैमर एप्लीकेशन आती है उसकी डिटेल मैं सबसे पहले आपको देता हूँ ला करके। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो आपको इतनी वीडियो कंटिन्यू बना करके दे दे। राहुल निमेश देता है आपके लिए, रात को मेहनत करता हूँ, दिन को मेहनत करता हूँ कि जितना हो सके लोगों को अवेयर कर सकूँ, जागरूक कर सकूँ। किसी प्रकार का किसी व्यक्ति से मेंबरशिप के नाम पर कोई पैसा नहीं मांगता, किसी व्यक्ति से कोई भी एक रुपया नहीं मांगता, सिर्फ जनहित में, राष्ट्रहित में काम करता हूँ। आपका प्यार बना रहा, आपका सपोर्ट बना रहा, ऐसे ही कार्य करता रहूंगा। और जो दलाल मुझे आके कहते हैं कि तू लोन एप्लीकेशन का प्रमोट करता है, भाई साहब जिंदगी में नहीं कर सकता वो तो। मैं जिंदगी में मैंने लोगों को लड़ना सिखाया है, मैंने लोगों को जागरूक करना सिखाया है, मैंने 2 सालों से लोगों को बताया है क्या सारी चीजें हैं, ठीक है, जितना मुझे नॉलेज थी। उसके बाद में बहुत सारे यूट्यूबर आए, सबको लोगों ने जागरूक किया, तो मैंने लोगों को ना एकता सिखाई है, एक होकर के लोगों ने किस तरीके से साथ दिया एक दूसरे का, समझ गए। तो दलाली ना उन्हें यूट्यूबर को जाके दिखाओ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है ना। थारे ऐसे गीदड़ भक्कियों से राहुल डरता है, क्योंकि आज से 4 महीने वाले राहुल में और आज के राहुल में जमीन आसमान का फर्क पाएगा। पहले ये राहुल प्यार से बात करता था, अब भी करता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस भाषा में बात करेगा उस व्यक्ति को फिर उसी तरीके से जवाब देना जानता हूँ, समझ गए हो। तो इसीलिए तमीज में बात करना, तमीज में कमेंट करना। नहीं कर सकते कमेंट तो किसी को अच्छा ही मत कहो, किसी को बुरा ही मत करो, ये बात आप ध्यान रखना। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।